Welcome to my channel Being Diva. This side Pallavi. I hope आप सब ठीक हो अपने घर पे. और आज का वीडियो है उसके बारे में जो कि इंटरनेट में या यूट्यूब में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल ने सर्च किया है. तो आपने गेस सही किया होगा क्योंकि टॉपिक में ही आपको दिख गया होगा कि कैसे मैं वेट लॉस कर सकूं बिना कोई डाइट के, बिना कोई लिमिटेशन के. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए. अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी कुछ हेल्पफुल लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कर देना. हम सभी ने ये प्रॉब्लम जरूर फेस किया होगा कि वेट लॉस कैसे कर सकते हैं कोई ओकेशन के लिए, या नॉर्मली भी हमें ऐसा लगता है कि मेरी फ्रेंड इतनी अच्छी है, इसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल इतना अच्छा है, मैं इतनी पतली कब लगूंगी या मेरा वेट लॉस कब होगा. अभी प्रोडक्ट देख ही लिया है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. तो मैं बात कर रही हूँ प्लिक्स लाइफ काशी या कैम्बोजिया. तो आप इसके नाम से कंफ्यूज ना होइए क्योंकि ये इतना ज्यादा फैंसी नेम है कि हम काफी सारे जन क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं कि ये होता क्या है. तो ये एक फ्रूट है जो पंपकिन जैसी दिखती है, छोटी सी साइज में है और कोई आउट ऑफ इंडिया के जगह पे पाई जाती है. ये इंडियन फ्रूट नहीं है बट इसमें जो कैपेसिटी है आपको वेट लॉस कराने में वो तो फैंटास्टिक है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो है मेजर 3 इंग्रेडिएंट्स है. तो सबसे पहले है गार्शिनिया कैम्बोजिया, सेकेंड है सिनेमन, सिनेमन का मतलब दालचीनी, एंड थर्ड है जिंजर जिसका मतलब है अदरक. तो ये सारी चीजें पहले से अगर सोचो तो जिंजर और दालचीनी पहले से हमें पता है कि वेट लॉस करने में हेल्प करती है. पर कैसे ये हेल्प करती है और क्यों करती है तो इसके बारे में हम और भी बात करेंगे. पाइनएप्पल ट्विस्ट मतलब पाइनएप्पल का थोड़ा बहुत फ्लेवरिंग है लेकिन मेजरली उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो ये 3 चीजें हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर के कैप में आती है और यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स है. जैसे ही मैं इसे मूव करती हूँ यहाँ पे आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू दिखती है, फिर कैसे यूज करना है और कब यूज करना, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ मेंशन किया गया है. इसे मैं ओपन करके बताती हूँ किस तरीके से ये आती है. ये एक एयर टाइट की तरह आती है, इस तरीके से इसका कैप दिखता है एयर टाइट और इसमें रहता है कैप्सूल. तो इस साइज का कैप्सूल है. आप डरिए मत क्योंकि आपको ऐसे ही नहीं खाना है, आपको पानी में इसे डिसॉल्व कर देना है और वो एक फ्रिज की तरह सब ऐसे बुलबुला की तरह बन जाती है. इसे डिसॉल्व होने के लिए कम से कम लाइक 2 मिनट के टाइम लगा होगा. टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, खट्टा मीठा सा है और एक ही साथ आप पी लीजिए उसे और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है. तो डेली 2 टैबलेट लेना है, आपका ऐसा कोई टाइम नहीं है बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप खाना खाने के बाद ही इसे इंटेक कीजिए. सिर्फ 2 कैप्सूल दिन में लेना है और इस पैकेज में टोटल आपको 15 कैप्सूल मिल जाते हैं. इसका प्राइस है 699, लाइक 1300 का है बट आपको डिस्काउंट करके 699 में मिलेगा. और अभी इनका ऑफर भी चल रहा है बाय वन गेट वन फ्री में, तो आपको 30 कैप्सूल्स जो है या 30 टैबलेट्स जो है वो 699 में मिल जाएगा. फॉर बेटर रिजल्ट जैसे मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ अप्रॉक्स 2 मंथ से, आप उसे 3 मंथ्स तक कंटिन्यूस लीजिए ताकि आपको विजिबल डिफरेंस नजर आए. मुझे डिफरेंस नजर आने लग गया है क्योंकि मेरा वेट 55 था और अभी मेरा 52 में आई है. तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मुझे लगी है. मैंने कोई डाइट में चेंजेस नहीं किया, मैं सिर्फ 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर लेती हूँ थोड़ा सा घर में ही. चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मैंने इसे इस्तेमाल किया है, किस तरीके से आई थी. इस तरीके से आई है, आप देख सकते हो इसका एक आउटर कार्टन है. ये 100% सेफ है क्योंकि ये सील्ड पैक होके आती है. आप एक चाकू की मदद से इसे खोल सकते हो जैसे मैंने यहाँ खोला है. और इसका टॉपर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर और एयरटाइट है. तो ये रहा हमारा कैप्सूल या फिर टैबलेट जो आपको 200 ml ऑफ वाटर में एक कैप्सूल डाल के इंटेक करना है. इसे फिस होने दीजिए, आपको स्पून डाल के मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसको घोल लेने के लिए और दिन में 2 से ज़्यादा ना इस्तेमाल कीजिए. इसके बारे में ज्यादा बात करूं तो ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है. इसमें है सोय फ्री, ये डेयरी फ्री है, ये नॉन GMO है, ये वेजिटेरियन है, ये वीगन भी है और इसमें है हाइपो एलर्जेनिक. इसका मतलब होता है कि आपको इस प्रोडक्ट से छूने से और कंज्यूम करने से आपको कोई एलर्जी होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है.
बट स्टिल अगर आप ऐसे कोई चीजें इस्तेमाल कर रहे हो जो इनटेक कर रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर दीजिए। फिर इसमें लिखा है GMP जो कि है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जिसमें ये माना जाता है कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे जो रूल्स होते हैं ना वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं और कोई भी चीज ऐसे नहीं इस्तेमाल करते हैं जो आर्टिफिशियल हो या ऑल्टरेशन किया हो। तो नेचुरली सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इसमें डली हुई है। तो इतने सारे बेनिफिट के साथ ये प्रोडक्ट बनी है सिर्फ और सिर्फ आपके वेट लॉस के लिए। सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, इसमें और भी चीजें हैं जो आपका हेल्प करता है। दालचीनी या कैम्बोजिया जो है वो एक फ्रूट है जिसे मैंने बोल ही दिया है उसके बेनिफिट्स क्या है। जैसे कि ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके वेट लॉस के लिए। सेकेंडली आपका वेट लॉस कैसे हेल्प करता है, इसमें है ना बहुत ज्यादा मात्रा में HCA है जो कि है हाइड्रोऑक्सी सिट्रिक एसिड, जिसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में जो फैट प्रोडक्शन होती है उसे वो बंद कर देती है। सेकेंडली आपको जो भूख लगने का कैपेसिटी है वो ज्यादा से ज्यादा कम करा देती है। मतलब बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपको भूख लगती है और आपने खा लिया डायरेक्टली, तो वो जो है जो आप खाना खाते हो तो आपका पेट काफी टाइम तक भूखा नहीं, मतलब भूख नहीं लगेगी। तो ये है इन शॉर्ट आपको ये जो प्रोडक्ट है गार्शिन या कैम्बोजिया हेल्प करती है। सेकंड प्रोडक्ट है इसमें सिनेमन, जिसके बारे में मैंने बोला आपको कि वो दालचीनी है और दालचीनी आपको क्या हेल्प करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है। आपका जो भी ब्लोटिंग इश्यूज होती है या एसिडिटी प्रॉब्लम होती है उसका ख्याल जरूर रखती है। थर्ड चीज है जिंजर, जिंजर आपको हेल्प करता है वेट लॉस करने में ऑब्वियसली। सेकेंडली आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब आप केमिकली बोल सकते हो एक प्रोसीजर होती है जहाँ पे आप जो खाना इंटेक करते हो उसको ट्रांसफर करती है एनर्जी लेवल पे, उससे वो स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथेंड हो जाती है या फास्टर हो जाती है। आपको लो कोलेस्ट्रॉल भी हेल्प करती है ये प्रोडक्ट, मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल अगर है तो उसे लो करने में स्टेबल रखने में हमेशा हेल्प करेगी। तो ये प्रोडक्ट में ये तीन चीजें बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा क्लिनिकली अप्रूव्ड है कि ये तीन चीजें इस प्रोडक्ट में मौजूद है। तो मैंने अभी जस्ट डिनर किया है और चलो साथ में एक बार हम इसे एक साथ पीते हैं। 200 ml ऑफ वाटर में आप लीजिए ये रहा कैप्सूल और आपको डिप कर देना है और आप इसका मैजिक देख सकते हो। जुप 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 जुप, हमें वेट करना है 2 मिनट्स और इसे फुली डिजॉल्व होने में और फिर एक ही झटके में हम पी लेंगे। देखो यहाँ पे तो फुल डिजॉल्व होने दो, ये अभी भी बुलबुला छोड़ रहा है, मतलब ये है अभी, इसको होने दो। एकदम खट्टा मीठा सा है, मस्त है। आपको पूरा कैसे बताऊं, जलजीरा जैसा टेस्ट हो रहा है बट अच्छी है। यहाँ पे मैं एक बार बता दूं, कुछ भी चीजें इंटेक करने से पहले आप डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कर दीजिए। अगर आपका कुछ सर्जरी हुआ है और मेडिकेशन में हो तो भी आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर दीजिए। आप प्रेगनेंसी के दौरान आप प्रेग्नेंट हो या फिर ब्रेस्ट फीड करते हो तब भी आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके सारे चीजें जो भी मेंशन किया गया है तो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। मैंने जो डिफरेंस है वो मैंने फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल चाहिए रहेगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, उनका वेबसाइट का लिंक दिया गया है तो आप वहां जाके थोड़ा और इंक्वायरी करना चाहते हो तो उनके कस्टमर केयर को पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, मच लव।